सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम 100 डे रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर देखेंगे और हम साथ के साथ 12 मार्च तक की शिक्षण योजना देखेंगे, कार्य योजना देखेंगे कि हमें इस सप्ताह किस तरीके से कार्य करना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ाने हैं और इसी कार्य योजना के अनुसार हम भरी हुई शिक्षक डायरी भी देखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, आज इस वीडियो में हम 7 से 12 मार्च तक की कार्य योजना देखेंगे और 100 डेज रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर देखेंगे। अगर देखिए, अगर आपके यहाँ नहीं बोला जा रहा है रजिस्टर भरने के लिए तो आप रजिस्टर न भरें। और ये देखिए, हम अपने चैनल पर जो डायरी प्रोवाइड करते हैं उस शिक्षक डायरी में हम इस तरीके से 100 डे रीडिंग कैंपेन और रीडथॉन गतिविधि का अभिलेखीकरण कर रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है गतिविधि रीडथॉन और यहाँ पर देखिए गतिविधि रीडथॉन में सहज एक से कविता रेलगाड़ी पढ़ेंगे, तो आपको अलग से रजिस्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर आपके यहाँ नहीं बोला जा रहा है तो। अगर आप रजिस्टर लिख रहे हैं तो यहाँ पर रजिस्टर में आपको केवल 2 कॉलम लिखने हैं। ये देखिए रीडिंग कैंपेन का कंटेंट है और रीडथॉन गतिविधि। तो रीडथॉन गतिविधि में आप शासन की तरफ से जो हमें सामग्री मिली है, प्रिंट रिच सामग्री, सहज पुस्तिकाएं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं और रीड अलोंग ऐप के माध्यम से बच्चों से कहानी पढ़वा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने रीडिंग कैंपेन का जो कंटेंट है, साथियों अभी मैंने ये कॉलम ब्लैंक रखा हुआ है क्योंकि अभी शासन की तरफ से रीडिंग कैंपेन का कंटेंट प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन जब कल आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तो ये मैं आपको भरा हुआ दूंगा। अब ये देखिए, रीडथॉन गतिविधि में कविता पोस्टर मेढक का गाना, उसका लिंक दिया हुआ है। वर्ड पहचान अ और आ पर हमें कार्य करना है। कार्य योजना का लिंक दे रखा है। लेट्स स्पीक अल्फ़ाबेट A to D पर कार्य करना है और गिनने के सिद्धांत से 1 से 20 की समझ, इसकी शिक्षण योजना दे रखी है। आपको अलग से कोई शिक्षण योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी शिक्षण योजना के अनुसार आपको कार्य करना है। और यहाँ पर देखिए, आप वर्ड पहचान पर किस तरीके से कार्य करना है उसकी ये विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर दे रखी है कि वर्ड पहचान पर हमें किस तरीके से बच्चों को कार्य कराना है। यहाँ पर देखिए विस्तृत कार्य योजना दे रखी है 40 मिनट की। इसमें आपको क्लियरली बताया है कि किस तरीके से आपको वर्ड पहचान पर बच्चों के साथ कार्य करना है। तो आप इस कार्य योजना को देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ड पहचान पर कार्य करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 8 मार्च को कविता पोस्टर मेढक का गाना, वर्ड पहचान E to H अल्फ़ाबेट पर कार्य करना है और गिनने के सिद्धांत से 1 से 20 तक की समझ, इसी तरीके से आप यहाँ पर 12 मार्च तक की कार्य योजना देख लेंगे, रजिस्टर देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, हमने शीतकालीन अवकाश के बाद से सप्ताहवार शिक्षक डायरी के लिंक दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके डायरी डाउनलोड कर लेंगे और अपनी डायरी समय से लिख लेंगे। ये देखिए शीतकालीन अवकाश के बाद की शिक्षक डायरी है, 17 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की। उसके बाद 31 से 5 फरवरी, 7 से 12 फरवरी और सामने लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करेंगे और आप अपनी डायरी डाउनलोड कर लेंगे और लिख लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्लास 2 की विस्तृत कार्य योजना देख लेंगे, रजिस्टर देख लेंगे। वर्ड पहचान 6 और व पर कार्य करना है। आवर बॉडी पाठ का लिंक दिया हुआ है। शब्दों में लिखी 3 और 4 अंकीय संख्याओं को अंकों में लिखना, इसी तरीके से आप विस्तृत कार्य योजना यहाँ पर देख लेंगे। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आता है तो चैनल को इस लिंक के माध्यम से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लास 3rd, 4th और 5th के लिए विस्तृत कार्य योजना देख लेंगे, रजिस्टर देख लेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें, समय से अपनी डायरी और रजिस्टर पूरे कर सकें जिससे उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। यहाँ पर देखिए, हमने सप्ताहवार 100 डेज रीडिंग कैंपेन रजिस्टर का भी लिंक दिया हुआ है, आप इन पर क्लिक करके और सप्ताहवार अपना रजिस्टर डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं। साथियों, आपका बहुत बहुत